सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि कैसे आपने कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज किया, बिल्कुल नॉर्मल वे में? कब से स्टार्ट करी पढ़ाई, कितना वक्त दिया, और कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे आप हमेशा बैलेंस करते थे? Yes, मैम, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अराउंड जुलाई 21 व्हेन ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस फॉर क्लास 12th. तो मैम, जैसे मैम मैं 12th के साथ में कर रहा था, तो तुम सुबह मेरी क्लासेस होती थी रेगुलरली. तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई टुक अप द टाइम स्लॉट फॉर कोचिंग एंड देन आई यूज्ड टू फॉलो दोस. सो आई यूज्ड टू डिवोट अराउंड 4 hours डेली फॉर माई कोचिंग एंड the rest I would dedicate to self-study. All right, so here there is one difference. Basically, generally students जो हैं वो कभी कभी 4 महीने की preparation में ही CA foundation clear करते हैं. तो आपका एक exceptional case है जहाँ पे आपने अपने आपको ज़्यादा वक्त दिया, और मेरे ख्याल से ये जो upcoming May attempt है 23 का, उन बच्चों के लिए ये एक अच्छा inspiration है कि they can give time और वो नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं. बट गुनीत, अगर आपसे बोला जाए कि हैड यू बीन लाइक अभी फॉर एग्जांपल सीए इंटरमीडिएट की मैं आपके पास 8 months का स्टडी पीरियड ही है, तो अभी आप कैसे मैनेज करते हो, और एक स्टूडेंट जो 4 महीने में तैयारी करेगा वो कैसे मैनेज करे कोचिंग और सेल्फ स्टडी को? मैम, अभी जैसे आई हैव ओनली लिमिटेड टाइम ऑफ 8 months, तो मैम उसमें क्या होगा कि वो मेरे स्कूल आवर्स थे जो वो मैं कोचिंग के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ. तो मैम ऑटोमेटिकली माय नंबर ऑफ आवर्स विल इंक्रीज. तो मैम उसके अंदर भी यू हैव टू मेक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच क्लास एंड देन द रिमेनिंग टाइम यू हैव टू सेल्फ स्टडी, मोस्टली रिवीजन. अच्छा गुनीत, दिस इज गुड ट्रिक. मैंने एक वीडियो बनाया था अभी हाल फिलहाल में, उसमें मैंने बच्चों को बोला कि आप अपने डे को 2 halves में डिवाइड कर सकते हो. आप बताना आपको कैसा लगता है कि आप अपने दिन को 2 halves में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट हाफ स्ट्रेट अवे लेक्चर्स देख डालो और फर्स्ट हाफ रिविजन प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करो. मेरा ऐसा मानना है कि जो वो मल्टीटास्क हम करते हैं, कभी लेक्चर फिर ये फिर वो, तो बीच में जो टाइम वेस्ट होता है ना मल्टीटास्क में स्विच करने में, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो क्या ये भी आपको लगता है कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा है? Yes, ma'am, actually, I'm following a 3-part model. So, ma'am, उसमें क्या है कि लंच के पहले एक पार्ट है एंड मैम आफ्टर दैट मैम लंच टू बाद मैम उसके बाद मैं शाम को 1 hour एक्टिविटी के लिए जाता हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए. तो मैम लंच टू बैडमिंटन स्लॉट का 1 hour है एंड आफ्टर डिनर 1 slot है. तो मैम व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर आपका फर्स्ट स्लॉट में भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो जाता है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कवर अप इन द नेक्स्ट 2 parts. तो मैम आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड मॉडल. ठीक है, हैविंग सेड दिस, द सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू स्टूडेंट्स वांट आंसर इज कि क्लास 12th और फाउंडेशन की प्रिपरेशन कितनी टफ थी, क्लास 12th और फाउंडेशन में कितनी सिमिलैरिटीज थी, एंड वुड यू prefer a student to take up foundation with class 12th or not? Ma'am, when we talk about similarities, I'm first going to talk about similarities. Ma'am, jo class 12th and CA foundation ka syllabus hai, ma'am, wo 60-70% I would say same hai. So ma'am, as such koi difficulty nahi aa sakti. Main paper number 2 law, wo us pe thoda zyada focus karna padega student ko, but baaki sab subjects mein itni zyada changes nahi hai. Matlab wo aaram se handle ho sakta hai. When it comes to, I would recommend them. If you are going for a regular college after class 12th and you are sure that you will score good marks and you have to go for a regular college, then I won't recommend going for CA foundation straight with your 12th. Then I would say that you have to focus on your 12th exam or CUET exam, because in college also you can't start your articleship till the time your degree is complete. So you will have plenty of time to complete your CA foundation then and there. But ma'am, jo student regular college ke liye aim nahi kar raha hai, so I would say that they should prepare for May attempts. मतलब class 12 के साथ ही? Yes ma'am, yes. ठीक है, done है. अच्छा, एक चीज़ जो बच्चों को बहुत हेल्प करेगी, आप बताओ कि रिविजन और सेल्फ नोट मेकिंग कितना लिंक्ड है, कितना इम्पोर्टेंट है क्लासेस के साथ साथ, रिविजन एंड सेल्फ नोट्स मेकिंग? मैम, रिविजन इज लाइक अ की टू सक्सेस. मैम, रिविजन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि जैसे उनकी क्लास खत्म होती है ना, देन एंड देर उनको 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करके रिविजन करनी चाहिए. कोई भी उनकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर रिकॉल करना चाहिए कि इस क्लास में क्या क्या हुआ है. और वो बहुत क्विक मैनर में, उनको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हेडिंग्स उनको एक बार अपने मन में रिपीट करनी है कि आई रिमेंबर व्हाट आई हैव स्टडीड इन द लास्ट 1 or 2 hours. एंड आफ्टर दैट मैम द नेक्स्ट डे दे कैन रिवाइज जस्ट बिफोर द क्लास. सो दैट विल बेनिफिट देम इन 2 ways कि मैम, एक तो उनकी रिविजन भी हो जाएगी एंड सेकंडली मैम उनकी नेक्स्ट क्लास में उनकी जो क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सही है. मैम, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ नोट मेकिंग, मैम आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम, बिकॉज देयर इज एन रूल कॉल्ड एफर्ट रूल. इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू डिवोट टू वन थिंग द मोर इट विल रिटेन इन योर माइंड. सो मैम, व्हेन यू मेक सेल्फ नोट्स यू विल बी डिवोटिंग सम एफर्ट टुवर्ड्स इट
and ma'am, that will also help you in revising again and again and also help you in retention. Right. हम क्या ये कह सकते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कर रहे हैं, अकाउंट्स का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर, लॉ का, लॉ में तो फिर भी हमारे बैच में आपको लॉ और इको के नोट्स मिल जाते हैं, उसमें आपको कश्मकश नहीं करनी, लेकिन अकाउंट्स और मैथ्स उसमें बच्चे नोट्स नहीं बनाते, क्या आप अकाउंट्स और मैथ्स में नोट्स बनाते थे? मैथ्स में आई मेंटेन्ड अ फार्मूला कॉपी, इन दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू कि कोई भी चैप्टर खत्म होता था तो उसमें जितने भी फार्मूले, चाहे छोटा सा छोटा हो चाहे कोई मेन फार्मूला, वो सारे फार्मूले एक जगह पे मैंने आई यूज्ड टू राइट डाउन. And then for accounts, I didn't write, make self notes, but I used to practice questions and I would be used to maintain a copy in which I would write what are the difficult questions which I need to do again and what are the important points in that question so that I don't miss them. Yeah, this is what I made a video on, कि practical questions इतने ज़्यादा हैं, तो मैंने उनसे गुनीत क्या कहा, मैंने कहा कि आप एक lecture कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी सेल्फ नोट कॉपी लेकर के उसमें हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें उस पैराग्राफ को, कोई एडजस्टमेंट कंसाइनमेंट पढ़ा, एवरेज ड्यू डेट पढ़ा, तो उसमें आपने क्या क्रक्स है उसका, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, और फिर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो जो टफेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हो उसके एडजस्टमेंट्स लिख लो, उसको रिवाइज करो, है कि नहीं? Yes. है ना? Yeah. तो यार ये दोस्तों आप लोग प्लीज़ करिएगा, बिकॉज आप थ्योरी तो रिवाइज कर लेते हो लेकिन प्रैक्टिकल नोट्स बनाना ये शायद ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है. एनीवे अब बात करते हैं गुनीत की थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के बारे में. आई थिंक हमने कोर स्टडी रिलेटेड बात कर ली है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑन डिस्ट्रैक्शन. आई थिंक 90% जनता डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन. ऑल्दो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े बच्चों को अभी ये बताऊँ कि भाई मोबाइल छोड़ दो, बट स्टिल एक पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने का कोई हैक था क्या तुम्हारे पास? मैम, व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रैक्शन, मैम द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प अ स्टूडेंट इज देमसेल्व्स. मैम, डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यू नीड टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. एंड मैम, आई रेड अ कोट समवेयर दैट सेड दैट द पर्सन विद बेस्ट सेल्फ कंट्रोल इज द वन हु डजंट हैव टू यूज इट. सो मैम, यू हैव टू मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, आपको फोन से डिस्ट्रैक्शन होती है, नोटिफिकेशंस आते हैं, यू नीड टू डिसेबल द नोटिफिकेशंस ताकि अगर तुम्हें वो क्यू ही नहीं मिलेगी तो तुम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपको कोई थॉट्स आते हैं मन में तो आप एक काम करो, 15-20 मिनट स्पेंड करो, उसको अच्छी तरह सोच लो एक बार ताकि वो आपको बाद में परेशान मत करे. एक मिनट मैम, अगर मैम कोई थॉट पेपर परेशान कर रहा होता है मैम, जैसे कि उसको सोचते रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहे या फिर कोई और भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को लिंगर करने के बजाय उसकी उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, सोच लो आराम से, स्पेंड करो. एग्जैक्टली. यस मैम. तो मैम वो एक बार अगर आप सोच लोगे ना तो आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरी वो वाली प्रॉब्लम टैकल हो रही है और साथ में आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी. ये ठीक है, ये दो पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन एक और जो डिजीज़ इन सबको लग गया है ना, हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना. और सबसे बुरी बात तो ये है, मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि लोग क्लासेस भी इसी में देखते हैं. तो क्या आपके साथ भी ऐसा था, क्लासेस मोबाइल में देखना था और मोबाइल में नोटिफिकेशंस थी सारी? क्लासेस मैम आई यूज्ड टू डू ऑन मोबाइल ओनली मैम, बट व्हाट आई डिड वाज दैट कि मैम मैंने इंस्टाग्राम को लॉक करके रखा हुआ था कि मैं इन अ डे 30 मिनट्स ऊपर उस पे स्पेंड नहीं कर सकता, और उस लॉक को डिसेबल करने के लिए भी मैंने उसमें और भी बहुत सारे लॉक्स लगाए हुए थे ताकि अगर मैंने उसको डिसेबल भी करना हो तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, तो उस एफर्ट डालने की वजह से मैं कभी उसको डिसेबल ही नहीं कर पाया. एग्जैक्टली. सो स्मार्ट, मतलब देखा जाए तो आज हम इतने ज्यादा उस पिंजड़े में आ चुके हैं ना कि हमें कैसे भी एक लत सी लग गई कि, और उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, बट ठीक है, एफर्ट्स करनी पड़ी एंड इट वर्क्ड फॉर यू, राइट? मैंने yes. एक वक्त पे ऐसे किया था. मैं तो दो चीज़ करती थी अपने सी एफ एल एग्जाम्स में, मैंने तो हटा ही दिए थे सारे यू नो ऐप्स वगैरह, और मैं छोटा सा बेसिक फ़ोन था मेरे पास और आई यूज़ टू डू माई क्लासेज ऑन लैपटॉप नंबर वन. व्हाट्सएप हटा दिया था, इंस्टाग्राम दूर दूर तक नहीं था. और एक और चीज़ जो मैं करती थी टू कीप चेक ऑन माई टाइम, मेरे पास हर आधे घंटे का एक टाइमर लगा हुआ था, हर आधे घंटे का टाइमर. और जब आप पढ़ते हो टाइम यू निकल जाता है, लगता था यार आधे घंटे इतनी जल्दी निकल जाते हैं, तो वो एक डर सा लगा रहता है. अदरवाइज आपका वो जो छोटा छोटा चंक ऑफ टाइम है, आधा घंटा 45 मिनट यू ही चला जाता है कहीं भी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर आधे घंटे का टाइमर लगाना भी बहुत बेस्ट था. ओके, इट्स गोइंग रियली गुड. फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, तो लाइक सी ए फाउंडेशन में कितने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स हमको देने हैं ओवरऑल इस वक्त? आप अपना भी मत बताओ, आप ये बताओ मुझे कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं दिसंबर, डेट्स आ गई हैं, ठीक है, तो अभी से लेकर के दिसंबर तक आपको क्या लगता है कि कितना नंबर ऑफ स्टडी आवर देना चाहिए किसी बच्चे को? कुछ और करना भी चाहिए कि बस यही करना चाहिए? मैम, अगर हम कोर्स कंप्लीशन पे फोकस करें तो मैम आई थिंक कोर्स अराउंड 500-600 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है फाउंडेशन का. एंड मैम, व्हेन इट कम्स टू रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस मैम, उसके अंदर मैम हम कोई आवर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो मैम स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है उसे कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा क्लैरिटी है तो वो शायद एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करके भी उसके मन में बहुत ज्यादा रिटेंशन रह जाए। अगर कोई बच्चा उसके कंसेप्ट में हल्की सी दिक्कत है तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आई थिंक कि आफ्टर कोर्स कंप्लीशन यू शुड डिवोट अराउंड ऑल योर टाइम फॉर रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। और अभी लाइक कितने आवर्स पढ़ना चाहिए बच्चों को? आप बोलोगे तो इनकी इनको इनकी हालत थोड़ी सी खराब होगी। मैं तो बोलती हूँ कि भाई पढ़ते ही रहो, अब तो ऐसा वक्त आ चुका है। आपको क्या लगता है? मैम इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिसेंबर अटेम्प्ट सो आई थिंक मिनिमम 8-9 आवर्स इज रिक्वायर्ड। मिनिमम है ना? Yes, और minimum, that's the minimum. या और मुझे तो ऐसा लगता है कि 8 आवर्स तो गुनीत क्लासेस में ही चले जाएंगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहे हो अभी तो 8 आवर्स तो उसमें ही चले जाएंगे। अब हमारे पास इंटरमीडिएट की तरह बहुत लंबा टाइम तो है नहीं, फाउंडेशन में थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 10+12 आवर्स तो होने चाहिए इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी। नहीं यस मैम, आई डिडंट नो दैट दे वर क्लासेस आर आल्सो पेंडिंग। आई थॉट द क्लासेस माइट बी कंप्लीट टिल नाउ। नहीं नहीं अभी बट नहीं। इफ दे आर आल्सो डूइंग द क्लासेस देन आई वुड से यू नीड टू डिवोट डबल द टाइम of your classes to revision and writing practice. Exactly, that comes to 15 hours. Yes. Yeah. But that isn't quite practical, but so 12 to 14 hours. I think that's a wrap. Achha, one more question that's coming up, popping up in my mind is about practicing the RTP, MTP and the past year question papers. Everybody knows it's important. Bahut छोटी सी बात है कि भाई ये तो करना ही करना है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ हैव यू डन इट? हैव यू प्रैक्टिस्ड इट साइमल्टेनियसली व्हाइल यू वर कंप्लीटिंग द चैप्टर्स, कंप्लीटिंग द लेक्चर्स, और डिड यू डू इट एट द एंड ओनली? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम इन आवर बैच, वी आर यू नो कंप्लीटिंग वन चैप्टर एंड वी आर गिविंग असाइनमेंट्स, एंड दोज असाइनमेंट्स आर बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ दीज आरटीपीज एमटीपीज। सो डू यू थिंक प्रैक्टिसिंग देन एंड देयर इज इंपॉर्टेंट, और यू कैन कीप इट फॉर द एंड? मैम व्हाट आई पर्सनली डिड वाज दैट आई रिवाइज्ड देम ट्वाइस, once then and there along with the chapters, and once also at the end. Man, because when we just complete a chapter, we have that confidence that we know all the concepts, we are in the flow of that chapter. Mm-hmm. So ma'am, doing RTP and MTP questions are very easy. So ma'am, but while coming at the end of the course, we are not in that flow of every chapter. So then doing the RTP and MTP will again bring you back in the flow of that chapter. Mm-hmm. So I think that we need to revise it twice. Twice. Achha, ek last question aa raha hai. कि अकाउंट्स में कुछ बहुत मेजर बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें बैलेंस शीट बनाना है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे भी हैं हल्के हैं। सिमिलरली लॉ में कुछ बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स यू मस्ट प्रैक्टिस इट बिफोर गिविंग एग्जाम, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट्स दैट? डू यू हैव अ मिनिमम नंबर इन योर माइंड, एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि यार अब हो गया ये वाला चैप्टर, अब नहीं करना है? सो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। It is a very difficult question or a very important question. Hmm. The number of revisions I would say is that till the time you don't remember the question, I would say. Because what I did was that for accounts, there are some tricky questions, and for maths also there are some tricky questions. I did them around, I would say, 7-8 times. And by the end of it, when I did it one day before the exam, I just looked at the question and I already knew the answer. So that would be the level of preparation. बहुत सही बात है। मैं दोस्तों गारंटी करती हूँ आप लोगों की, इसके ऊपर एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। एक शॉर्ट कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ जो आपने बोला और जो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉपी बनाई आपने, एक पतला सा नोटपैड बनाया, उसमें लेट्स सपोज आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको ईजी लगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ है, तो उन 25 क्वेश्चन की एडजस्टमेंट कर लो। अब नेक्स्ट टाइम पे 50 क्वेश्चन मत करो, उन 25 क्वेश्चन को करो। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करोगे तो उस 25 में से भी 12 आपको आ गए होंगे, फिर 12 करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टफ क्वेश्चन हैं वो आपके नज़र से या फिर आपकी प्रैक्टिस से 3-4 बार गुजरने चाहिए, तब जाकर के आप फाइनली प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना? Ma'am, and also I want to add a point. Ma'am, अगर for example practical questions होते हैं accounts के अंदर, तो you don't need to solve it with the format and all, because you already know the formatting. So what you can do is I used to use my calculator and I used to calculate the answer and then I used to match it. That's if a great. If the answer was correct, then the question is a pass. If the answer is incorrect, then I used to solve it completely. Right. That is also one thing that will save you a lot of time. Exactly. अच्छा एक और चीज देखो, मेरे सवाल आते रह रहे हैं, वो ये कि 90 प्लस इन टू सब्जेक्ट्स में हमेशा बोलती हूँ, तो क्या आपको वो सही लगा था? और क्या आप अपने जूनियर्स ये वाला टिप रेकमेंड करना चाहोगे, 90 प्लस इन टू सब्जेक्ट्स वर्सेस बीइंग अ मास्टर ऑफ ऑल? द लास्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मैम, 90 प्लस इन टू सब्जेक्ट्स इज लाइक अ सेल थ्रू मैम। इफ यू स्कोर 90 प्लस इन टू सब्जेक्ट्स, देन देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू विल फेल, बिकॉज़ देन यू हैव टू ओनली स्कोर 40 मार्क्स इन
I'm not saying that you have to prepare for only 40 marks, but you can score 40 marks. I mean, 40 marks are bare minimum. So I think it's a very good. Exactly. Yeah. इसको मैं थोड़ा सा और elaborate कर देती हूँ कि 90 plus जब हम बोल रहे हैं और जब हम 50 के आसपास बोल रहे हैं तो 90 plus का मतलब ये नहीं है कि आप 90 ही ले आओगे. आप उसकी तैयारी करोगे. आप कोई RTP, MTQ का question छोड़ोगे नहीं. आप कोई chapter छोड़ोगे नहीं. उसमें आपने एकदम solid preparation की हुई है. You have not left any stone unturned. और उसमें आपके marks अच्छे आ जाएंगे because preparation equals success. वहीं पर जो आपके दो less favorable topics हैं, जो दो less favorable सब्जेक्ट्स हैं, सबके होते हैं. किसी का मैथ्स होता है, किसी का कुछ होता है. जनरली बच्चों का मैथ्स और लॉ हो जाता है, बट लॉ को तो आपको इतना सिंपल नहीं लेना चाहिए. ये तीनों ही लेवल्स पे है, तो लॉ का तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. लेट्स सपोज मैथ्स है, तो मैथ्स में आप एक आध दो चैप्टर छोड़ सकते हैं, या फिर किसी एक दो चैप्टर में अगर आप लेस कंसर्न हो सकते हैं, लेस कंसर्न, इतना टेंशन नहीं लेना है कि अरे फेल हो जाऊंगा, बिकॉज वहां पे 90 प्लस दो की तैयारी है और आपका जो ग्रुप है सीए फाउंडेशन है वो सेल थ्रू कर जाएगा. बिकॉज यहाँ पे आपके 80 70 तो डेफिनेटली आ गए होंगे, वहां पे लेट्स सपोज आप 40 45 पे हो. राइट मैम, आई वुड से मैम लाइक यू सेड दैट कि आप एक दो चैप्टर छोड़ सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि इंस्टेड ऑफ लीविंग द चैप्टर आप उनमें से टॉपिक्स छोड़ दो जो आपको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता. क्योंकि right. जो बेसिक्स होते हैं वो मेनली इजी होते हैं. फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है कैलकुलस का, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन पार्ट थोड़ा इजी होता है और इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था. सो व्हाट आई डिड कि आई डिड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, आई डिड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एग्जैक्टली. सो मैं कई बार, क्योंकि हमें पेपर का कुछ पता नहीं है, तो पेपर में कई बार क्या होता है इजी टॉपिक में से ही क्वेश्चन आ जाए. इंस्टेड ऑफ लीविंग द एंटायर चैप्टर यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस. एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू पेपर राइटिंग प्रेजेंटेशन ऑल्सो, कि समटाइम्स देर आर क्वेश्चन जो कि हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू शुड अटेम्प्ट इट. ऐसा आपके साथ कोई नहीं हुआ था कि कोई क्वेश्चन नहीं आया बट स्टिल यू अटेम्प्टेड इट? Yes, ma'am. In law, ma'am, one question, ma'am. I didn't prepare, ma'am. It was a complete. It was even it was a direct question, but I didn't prepare those topics very well. So, but I still attempted those questions. सही है. कुछ marks तो मिलेंगे ना? For the sake of getting few marks. ठीक है दोस्तों, दैट्स इट, दैट्स अ रैप. और आपकी कॉपीज बच्चे बहुत देखने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, तो आई होप कि वो भी इन प्रोग्रेस होगा, है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट. ऐसे ही नाम रोशन करिए, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आइए. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. बाय गुनीत. थैंक यू.